और यार लाइफ बहुत छोटी है सारी गलती करके सीखने की, तो मैं उसमें ही अटका रहता था और इस वजह से मेरा पेपर भी छूटा है कई बार। जैसे 2-3 घंटे तक रील्स देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम का, रील्स देखने के बाद आंखें दर्द हो रही है तो नींद आ रही है। तो अगर मुझे मेरी इन गलतियों के बारे में कोई पहले बता देता, मुझे कोई पहले समझा देता, तो शायद मेरा सिलेक्शन 1 साल पहले हो सकता था। तो नीट 2024 और नीट 2025 एस्पिरेंट्स को मैं ये 5 टिप देना चाहूँगा। Hi, my name is Garvit. I'm a second-year MBBS student from AIIMS Nagpur, and I do have a YouTube channel where I post some funny videos, mini vlogs, and neat motivation to inspire you guys and show you lifestyle of a MBBS student at AIIMS. तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपने नीट की जर्नी और बताने वाला हूँ कुछ छोटी-छोटी गलतियों के बारे में जो मैंने की थी और मेरा 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में वो सारी गलती आप रिपीट ना करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और 10th क्लास के बाद मेरे घर वालों ने मेरे सामने बस 2 ही ऑप्शन रखे थे, या तो मैथ्स का या बायो का, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे घर पे ही नहीं था। तो मैथ्स और फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट मेरे वीक थे पहले से ही, तो मैंने बायो ली और मैं भी नीट प्रिपरेशन करने चला गया कोटा। तो कोटा में स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मुझे वहाँ सेटल होने में ही लग गए और 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स जैसे एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर, एनर्जी, जो पूरी 11th फिजिक्स का बेसिक होता है, वो मेरे पूरी तरह से साफ हो चुके थे। और जैसा कि 90% लोगों की 11th बर्बाद हो जाती है, उसी तरह मेरी भी हो गई थी। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैं बैकलॉग को कभी कवर करने की कोशिश ही नहीं करता था। मेरे फिजिक्स में बैकलॉग बढ़ते गए और मैं सारा दिन बायो और केमिस्ट्री पढ़ता रहता था। तो मैं कोटा में था लगभग 2018-2019 के टाइम में। तो एज सच मेरे पास नोकिया 3310 फ़ोन था, कीपैड वाला, तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और उस टाइम कोटा में साइबर कैफ़े चलते थे ₹10 पर आवर वाले, तो उनसे भी मैं दूर ही रहता था और गर्लफ्रेंड मेरी कोई थी भी नहीं वहाँ पर। कोटा में जो उस टाइम पे माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, मतलब कोटा के दोस्त कोटा में ही रह जाते हैं, ऐसा सुना ही होगा आपने। लेकिन जो दोस्त होते हैं आपस में वो एक कॉम्पिटिशन की वजह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक टॉक्सिक माहौल बन जाता है और संगत भी गलत रहती है। मतलब कोटा में मैं काफ़ी गलत संगत में भी पड़ गया था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था, कभी कभी कोचिंग बंक कर देता था। पर ये मुझे काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया क्योंकि मेरे घर वाले कोटा की कोचिंग्स में लाखों की फीस भर रहे थे और ऐसा कभी भी अंदर से आप लोगों को भी डीमोटिवेटेड फील हो या फिर गिव अप करने का मन करे तो एक बार आंख बंद करके अपने घर वालों के बारे में सोचना, उनके सेक्रीफाइस के बारे में सोचना, उनके रिएक्शन के बारे में सोचना जब वो आपको वाइट कोट और स्टेथोस्कोप में देखेंगे, और अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में सोचना जो आपका इंतज़ार कर रही है। तो यार कोटा में अगर मैं उसी संगत में पड़ा रहता तो आज मैं एम्स में नहीं होता। आज मैं शायद अपना 4वां, 5वां, 6वां ड्रॉप ले रहा होता। पर भले ही मेरे 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी मेरी ही गलती की वजह से, क्योंकि फ़िज़िक्स के काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स आ गए थे और फिज़िक्स नहीं हो पाती थी 11th क्लास में क्योंकि ना इतनी अच्छी गाइडेंस थी। कोटा के क्लासरूम में एक बैच में 150 से 200 बच्चे रहते थे, तो टीचर की इतनी पर्सनल गाइडेंस भी नहीं मिल पाती थी और कोई ऐसा सीनियर भी नहीं था वहाँ गाइड करने के लिए। पर इस चीज़ की वजह से मेरा 12th क्लास के साथ सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि फिजिक्स में किसी का सिलेक्शन 12th की क्लास की फिजिक्स नहीं रोकती, क्योंकि 12th क्लास की फिजिक्स तो कोई बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से भी पढ़ने लग जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं आया था तो 11th क्लास की फिजिक्स से मेरे बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी, तब मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में उस बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश की थी। 11th की फिजिक्स पे जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और मेरी ये गलती भी थी कि मैं बैकलॉग क्लियर करने की मैंने कभी ट्राई भी नहीं की अपने 11th क्लास में। तो जब मैं नीट का पेपर देने गया पहली बार तो मुझे पता था कि मेरी फिजिक्स तो इतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी मैं एक भ्रम में जी रहा था कि चलो कोई नहीं, मेरी केमिस्ट्री और बायो तो काफ़ी अच्छी है तो मैं पेपर दे सकता और मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है, ऐसा मेरे मन में थॉट था एक। पर वो मेरी गलत फहमी थी। तो जैसा कि मेरा 12th के साथ में रिजल्ट नहीं आ पाया और फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची, और जो गलती मैंने आपको बताई सारी कि मैंने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज बढ़ा दिए थे और उन रिसोर्सेज को एंड मोमेंट पे मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैंने 11th की फ़िज़िक्स में स्टार्टिंग से ही बैकलॉग्स इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन सब गलतियों पे मैंने काम किया अपने ड्रॉप ईयर में। जैसे मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ मैंने 11th की फ़िज़िक्स पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया और 11th की फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग किया। और 12th की फिजिक्स तो मुझे आती थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं कंफ्यूज था अपने 11th के टाइम पे, फिर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से ही पढ़ी। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं पर क्वेश्चन पेपर में मार्क करने के बाद ओएमआर में ब्लंडर हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए मैं करता था कि ओएमआर में छोटे छोटे डॉट्स लगा लेता था। इससे क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया या फिर कोई सा गलत बबल पे डॉट लगा दिया तो आपको चांस मिलता है वो सही बबल करने का। इससे हो सकता है आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर ये ओएमआर में एक बिग ब्लंडर करने से तो अच्छा ही है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम क्वेश्चन पेपर में सारे सही मार्क करें और ओएमआर गलत करके आ जाए, क्योंकि हम नीट में ओएमआर में सिली मिस्टेक करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मैं ड्रॉप ईयर में कोटा में था तो मैंने इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, अपने आप को सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखा। बायो में मैंने काफ़ी सारी एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की और एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग। मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी थी कि मुझे उसके पेज नंबर्स भी याद हो गए थे। और मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ओवरथिंक करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि सिलेक्शन हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, पर एक बात है कि ओवरथिंक करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस से होगा, आपके टाइम मैनेजमेंट से होगा। अब नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि वो 3 घंटे में ये चेक करता है कि आपने कितनी बार रिवीजन किया, आप कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको कितनी चीज़ें याद हैं। क्योंकि 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करना, ये नहीं देखता कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो नीट में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में, और कोई क्वेश्चन मुझे दिखा और मुझे पता है इसमें मुझे 7-8 मिनट तो लगने ही वाले हैं, तो मैं उसमें ही अटका रहता था और इस वजह से मेरा पेपर भी छूटा है कई बार। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, आपको पता है उसमें आपको 7-8 मिनट लगने वाले हैं, तो उसे मार्क करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप एक हार्ड क्वेश्चन करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे, अगर आप एक ईजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में 2 ईजी क्वेश्चन छोड़ दें। तो बस ड्रॉप ईयर में मैंने अपनी इन्हीं सभी गलतियों पर काम किया। और यार लाइफ बहुत छोटी है सारी गलती करके सीखने की, तो बेटर यही होगा कि आप दूसरों की गलती से भी सीखें। जैसे मैंने अपनी गलतियां बताई, मैंने क्या क्या चीज़ें गलत की जिस वजह से मेरा 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप उनसे सीखें और अपनी गलतियों को एनालाइज करें और सेम गलती वापस रिपीट ना करें। तो बस मैंने ड्रॉप ईयर में अपनी उन सब गलतियों पे काम किया, अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ी, ना कि इधर उधर के सोर्सेज से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना स्टार्ट किया जो उसके एक्सेप्शंस थे, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे थे नीट में। तो धीरे धीरे ड्रॉप ईयर में टाइम निकलते गया, मॉक टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते गए। और जब मैं नीट का पेपर दे के आया था तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो फिर भी पर अंदर डर लग रहा था कि कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई हो, कहीं 5-10 नंबर से सिलेक्शन रुक ना जाए। इसलिए मैं आया और अपना पेपर अपने बड़े भाई को दे दिया कि इसके नंबर चेक कर लो। फिर उनने मार्क्स चेक करके बताए। पर हमारे टाइम पे क्या हुआ था, नीट 2021 में जब नीट का पेपर दे के आए थे तो एक न्यूज़ आई थी कि नीट का पेपर आउट हो गया है तो वो वापस होगा। तो मैं नीट का पेपर देने के बाद भी अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे अंदर से लगा था कि मुझे पेपर वापस देना पड़ सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और एक तरह से मैं थोड़ा सा सैड भी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा गया था। लेकिन वो धीरे धीरे वो न्यूज़ 2-3 महीने तक चली। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ही सेंटर में कराएंगे, पर वहाँ भी नहीं हो पाया। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ एम्स नागपुर में, जो मुझे सेकेंड राउंड में मिला था। और मेरा कॉलेज का पहला दिन, लाइक जिस कॉलेज का सपना लाखों लोग देखते हैं, मैं फाइनली उसमें जा रहा था। और जब मैं कॉलेज में पहली बार एंटर किया तो मुझे रूम अलॉट हुआ हॉस्टल का। तो मैं अपने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से इंटरेक्ट किया, उनसे बातें करना स्टार्ट की कि कहाँ से, जैसे एम्स की स्पेशलिटी है कि पूरे इंडिया से उसमें लोग आते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट के 85% लोग रहेंगे और 15% ऑल इंडिया कोटा के। एम्स में पूरे इंडिया से लोग रहते हैं, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नेक्स्ट डे थी हमारी वाइट कोट सेरेमनी, जिसका हर एक नीट एस्पिरेंट सालों से वेट करता है। तो वाइट कोट सेरेमनी में मैंने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था वहाँ पे एम्स के ऑडिटोरियम में। और वो जो मोमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट था, जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मतलब जिन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, आज वही पेरेंट्स, उनकी आंखों में थोड़े से आंसू थे और वो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। तो ये मोमेंट शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी लाइफ में। और मेरे नीट की जो 2-3 साल का सेक्रीफाइस था, 11th 12th, बैकलॉग, डिप्रेशन, कभी भी ऐसा फेज आए तो गिव अप नहीं करना। काफ़ी लोग होते हैं बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या फिर वो गिव अप कर देते हैं, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। उससे बेटर ये होगा कि ओवरथिंक को छोड़ के, डिप्रेशन को छोड़ के आप अपनी गलतियां एनालाइज करें, आप अपनी गलतियों पे काम करें। तो अगर मुझे मेरी इन गलतियों के बारे में कोई पहले बता देता, मुझे कोई पहले समझा देता कि ये सब गलतियों को एनालाइज कर, इन पे काम कर, अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर, तो शायद मेरा सिलेक्शन 1 साल पहले हो सकता था। तो मैं चाहता हूँ ये छोटी छोटी गलती आप रिपीट ना करें, क्योंकि अब तो नहीं पर उस टाइम काफ़ी रिग्रेट होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिर्फ कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से। जो आपने स्टार्टिंग में की थी वो वापस आपके पास आती ही है। ऐसा नहीं आप कोई भी गलती करके या फिर कोई भी किसी भी काम से बाहर निकल के आप उससे बच जाएंगे, वो वापस आपके पास आने ही वाला है। तो नीट 2024 और नीट 2025 एस्पिरेंट्स को मैं ये 5 टिप देना चाहूँगा। नंबर 1 कि कभी भी बैकलॉग्स क्रिएट मत करो, क्योंकि वो बैकलॉग्स क्रिएट होते होते आपके पीछे एक बर्डन बन जाता है, फिर वो कभी क्लियर करने का मन ही नहीं करता। नंबर 2, जैसा कि कोविड के बाद अभी 5th 6th क्लास के बच्चों के पास भी स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन का आप यूज़ करो, एब्यूज़ मत करो। जैसे 2-3 घंटे तक रील्स देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम का, रील्स देखने के बाद आंखें दर्द हो रही है तो नींद आ रही है, तो उस स्मार्टफोन का यूज़ करो। जैसे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अभी इतने सारे आए हैं कोविड के बाद, कोई अगर डाउट है तो काफ़ी सारे ऐप है जिसपे आप क्वेश्चंस की फ़ोटो ऐड करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तीसरी टिप कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बी कंसिस्टेंट। अगर आपका किस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसा भी नहीं कि आप उस दिन एकदम पूरे दिन ही बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो। उस दिन एटलीस्ट आप डायग्राम देख लो, अपने पुराने पेपर एनालाइज कर लो। अगर आपकी कोई नई चीज़ पढ़ने की मन नहीं कर रहा हो तो कोई पुराना टॉपिक है जो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज कर लो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप उसमें अगर रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से जाते रहेगा और फिर आप वही चीज़ें, सेम चीज़ें आप पेपर में रिकॉल नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा यार ये मैंने पढ़ा तो था पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और चौथी टिप, यार कभी भी अपने माँ बाप से झूठ मत बोलो कि कभी बाहर घूम रहे हो कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ और ऐसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें घूम फिर के आपके पास वापस आने वाली है। कभी ना, लाइक मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे ये कॉलेज मिला है, जबकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उसके माँ बाप उस कॉलेज में उसे लेके भी गए, उसका काउंसलिंग में पार्ट भी कराया, पर वहाँ जाके पता ही लग गया, ऑलमोस्ट वो पता ही लगने वाला था कि वो झूठ बोल रही है। तो फिर लड़की ने रीज़न दिया कि मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने झूठ बोला। क्योंकि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं, वो बस हमें वाइट कोट में देखना चाहते हैं, स्टेथोस्कोप में देखना चाहते हैं, हमारा एक सिक्योर फ्यूचर देखना चाहते हैं। और 5th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कभी भी फिजिक्स से मत डरो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में आपको टफ लग सकता है, सबको टफ लगता है, मुझे भी टफ लगा था, आपको भी टफ लगता है। तो स्टार्टिंग में फिजिक्स को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लोगे, लाइक उसके कॉन्सेप्ट समझने में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो फिजिक्स धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने के बाद अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे क्वेश्चन पेपर में तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप मत करना। भले ही आप डॉक्टर 5-6 साल बाद बनो, पर डॉक्टर का टैग आपको नीट क्लियर करते ही मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।